हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करेक्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं मंदीप और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप अपनी खुद की एमएलएम कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको किस तरह से एमएलएम के सॉफ्टवेयर बनवाने हैं, किस तरह से कंपनी को रजिस्टर करवाना है एंड उसके अकाउंट ओपन करना है, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। देखिए होता क्या है ना, कई बार आप लोगों के साथ में काम करते हैं, अलग अलग कंपनी आती है, उसके अंदर आप स्कीम देखते हैं, अपने पैसे लगाते हैं और जब कमाने की बारी आती है तो कंपनी पैसे लेके निकल जाती है और आपकी टीम भी चली जाती है। ऐसे में टीम से भी आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है। अब आप सोचते होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है खुद की कंपनी बनाए, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यदि आप खुद की कंपनी बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको अपने कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करना है, प्लान पेपर पर लिखना है और आप हमारी टीम को भेज दो। हमारी टीम एक बार देखेगी और देखने के बाद आपको बना के उनको बता देगी कि 3 से 4 दिन में बनेगा या 5 दिन में बनेगा और बना के आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। फिर आप उसको डिजिटली रन कर सकते हैं जैसा कि आप दूसरी कंपनी में काम करते थे। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है कनक टेक्नोलॉजी। आपको ये सपोर्ट करेगी सॉफ्टवेयर में, PDF बनाने में, आपके कंपनी की मार्केटिंग करने में, कंपनी के बैंक अकाउंट ओपन करने में, साथ ही आपको QR कोड सॉल्यूशन में, मीन्स कि अगर आपको QR कोड चाहिए कंपनी का उसमें भी। तो अगर आपके मन में कोई प्लान बनाने का विचार है तो हमारी टीम को कॉल करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको अपने कुछ सॉफ्टवेयर के डेमो दिखा देता हूं कि वो कैसा दिखता है, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और इसके एडमिन और यूजर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है और प्लान किस तरह से काम करता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके पास जो स्क्रीन पर शो हो रहा है ये एक यूजर का पैनल है, तो यूजर ID और पासवर्ड के थ्रू मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसका यूजर ID और पासवर्ड मैं एंटर करके इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये एक यूजर का पैनल ओपन हो गया। अब मैं एडमिन का भी कर लेता हूँ ताकि एडमिन को भी मैं आपको दिखा सकूँ। तो इसके लिए मैं इसको अलग में ओपन करता हूँ। तो चलिए एडमिन का भी ओपन कर लेते हैं और एडमिन का जो ये पैनल है इसमें यूज़र ID डालना है और पासवर्ड डालना है, तो ये भी लॉगिन हो जाएगा। तो मैं डाल दिया इसका। तो एडमिन से ही शुरू करते हैं। एडमिन में टोटल टीम दिखेगा, कितने टीम एक्टिव हैं, कंपनी में टोटल कितने इनकम हो चुके हैं, पे आउट टोटल कितना हुआ है, पेंडिंग में है और टोटल पे आउट कितना हुआ है। इसमें प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आप यूज़र ID और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। टीम में जाके आप टोटल टीम एक्टिव और नॉट एक्टिव को देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि कौन एक्टिव है, तो सारे के सारे एक्टिव है अभी। फंड में जाके आप यूज़र को फंड डाल सकते हो, जो भी फंड आपको सेंड करने का है। यहाँ पे यूज़र ID सिंपली डालना है, जैसे मैं डालता हूँ उसका नाम आ जाएगा, कितना फंड डालना है वो डाल दो और सबमिट कर दो, तो ये फंड चला जाएगा यूज़र को। इनके बाद है आप नोटिस, तो नोटिस में आप सिंपली नोटिस जनरेट कर सकते हैं जो भी डालना है, या फिर पिछला वाला नोटिस को आपको एडिट मारना है या डिलीट करना है। जैसे ये लिखा हुआ है तो आप इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, तो मैं भी छोड़ देता हूँ इनको। विड्रॉल में जाके आप विड्रॉल लिस्ट देख सकते हैं, कौन कौन लोगों ने विड्रॉल लगाया है। IMPS होगा तो ये आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ROE में जाके आप डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं या फिर ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है। अब आते हैं यूजर में, तो यूज़र के पैनल में देखिए सबसे पहले आपको शो होगा माई प्लान, यानी आपने कितने का प्लान ले रखा है। तो $100 का प्लान है, टोटल आपने कितने लोगों को रेफर किया है तो वो यहाँ दिखेगा, आपके कितने रेफरल एक्टिव हैं वो यहाँ दिखेगा, आपकी टोटल कितनी कमाई हो चुकी है वो यहाँ पे दिखेगा, डायरेक्ट में इनकम कितना मिला है, डेली में कितना मिला है, टीम में कितना मिला है, ऑटो पूल में कितना मिला है और आपका पेंडिंग विड्रॉल कितना है। तो ये प्लान जो बना है ना ये 2x में बना हुआ है, दैट मीन्स कि आप जो इन्वेस्ट करोगे उसका दुगना ही आप विड्रॉल कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो आपने $100 का प्लान लगाया तो आप $200 ही विड्रॉल कर पाओगे, इसके बाद आपका प्लान ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा और उनके बाद फिर से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा या रीएक्टिवेट करना होगा, फिर वहाँ से आपका प्लान कंटिन्यू होगा बट आपकी पुरानी टीम काम आ जाएगी अगर वो भी आपको रीटॉप अप करता है फिर से। फंड वाले में कंपनी से कितना फंड लिया वो यहाँ पर उसको दिखेगा। प्रोफाइल है सिंपल, तो प्रोफाइल में आप जाके नॉर्मली जो भी यूजर का डिटेल है उनको बदल सकता है। जैसे मान लो मैं नाम यहाँ पे बदल लूँ तो मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ मनदीप कुमार, तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाना चाहिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, बाकी चीज़ें भी रहने देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो मेरा प्रोफाइल अपडेट हो गया, तो अब मेरा नाम शो करेगा, देखिए यहाँ पे मनदीप कुमार आ गया। टीम में डायरेक्ट टीम दिखेगा, जो भी मेरी टीम है, तभी मेरे नीचे में कोई टीम है ही नहीं। फंड में जाके मैं ID एक्टिवेट कर सकता हूँ किसी का, तो यहाँ पे यूज़र ID डालना है, यहाँ पे कितना का अमाउंट चाहिए वो डालना है और एक्टिवेट करना है। सपोज करो मैं एक डालता हूँ, तो ज्वाइनिंग अमाउंट जो है ना यहाँ पे मिनिमम $100 है और मैक्सिमम यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है इतना है, मिनिमम 100, मैक्सिमम 1 करोड़। तो ये एक मिनिमम मैक्सिमम का रेंज प्लान के हिसाब से रहेगा। इसके रिपोर्ट में जो भी आपका इनकम हो रहा है उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या इनकम आया।
विड्रॉल में जाकर विड्रॉल लगा सकते हैं, तो मिनिमम यहाँ पे विड्रॉल $100 का है, तो ये विड्रॉल लेने देगा नहीं। रेफर का तो आपको सिंपली पता है रेफर में क्या होता है। तो इस टाइप का ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें है क्या पैकेज, मिनिमम $100 से लेकर आप 1 करोड़ तक कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको डेली इनकम मिलेगा, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलेगा, बट डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम इस प्लान के अंदर ऐसा मिल रहा है कि जो आपके डाउनलाइन कमा रहे हैं उनका 10% मिल रहा है, यानी डेली जो कमाएगा उनसे मिलेगा। डायरेक्ट इनकम आपको वन टाइम नहीं है, डाउनलाइन जितना बार कमाएगा उतना बार आपको डायरेक्ट इनकम मिलेगा। डेली इनकम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बेस पे आपको 5% 2% जो भी कंपनी से करती है उसके हिसाब से डेली इनकम मिलता है। टीम रैंक इनकम, आपके नीचे जो टीम बन रहा है उनके बेस पे, जैसे 3 लोगों का टीम बनेगा तो $10 मिलेगा, तो ऐसा करके टीम रैंक इनकम है। ऑटो पूल, ये ऑटो पूल के हिसाब से मिलता है, यहाँ पे 5 पूल है टोटल। और पेंडिंग विड्रॉल तो मैं बता ही दिया कि इसका टोटल जो है रिवेन्यू लिमिट 2x है, जो भी इन्वेस्ट करेगा उसका दुगना। तो ये एक बेसिक इन्वेस्टमेंट प्लान का सॉफ्टवेयर है जो आप देख पा रहे हैं। जो आपने अभी वीडियो में जो सॉफ्टवेयर देखा है इसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान सेट किए जाते हैं। आपके प्लान में जो चीज़ ज़रूरी होगा वो लगा दिया जाएगा, जो चीज़ हटाने का रहेगा वो हट जाएगा, या चीज़ बढ़ाने का रहेगा तो बढ़ जाएगा। और रही बात डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग अपने हाथ में है, किसी भी तरह के डिजाइन को कर सकते हैं या फिर आपको जो डिजाइन पसंद होगा उसके अंदर इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। तो अगर आप भी अपनी एवेलम कंपनी बनाना चाहते हैं तब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और इनके बारे में जो भी जानना हो कंपनी के बारे में आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।